Hey guys, welcome to Tech Hormone. मैं हरदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे GoPro Hero 7 Black Edition की। मेरा बहुत टाइम से मन था इसे खरीदने का, तो फाइनली मैंने इसे फ्लिपकार्ट से खरीद लिया है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग शुरू। तो बॉक्स के अंदर हमें मिलता है, तो ऐसे कुछ करके हमें मिलता है बॉक्स के अंदर हीरो प्रो 7 और इसकी स्पोर्ट्स किट। तो चलिए बबल रैप को उठा लेते हैं। मार्केट में सबसे अच्छा एक्शन कैम है अभी तक का। गुड बाय बबल रैप। तो ये हमें पास हमारे पास मिलती है ये स्पोर्ट्स किट और ये दूसरी तरफ है हमारा एक्शन कैमरा। दोनों करण अर्जुन भाई की तरह जुड़े हुए हैं, तो भैया थोड़ी देर अलग हो जाओ। तो स्पोर्ट्स किट को हम देखेंगे बाद में। तो ये है हमारे पास GoPro Hero 7 Black। बहुत अच्छी पैकिंग है, मैंने बहुत कम देखा कि प्रोडक्ट हमें सामने ट्रांसपेरेंट दिखाई दी। इस तरफ हमें सारी एक्सेसरीज दिखाई गई जो इसके साथ में मिलती हैं। तो ये है इसकी बैक साइड और इस तरफ हमें इसके फीचर दिखाए गए हैं। तो इसमें 12 मेगापिक्सल की स्क्रीन है, ये 4K 60 फ्रेम रिकॉर्ड कर सकता है और 1080 में 240 फ्रेम तक, वो भी हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन के साथ। 33 फुट तक ये वाटरप्रूफ है, 10 मीटर तक, और कमांड दे सकते हैं हम इसको बोलकर, मुंह से आप बोलेंगे कि GoPro रिकॉर्ड दिस तो ये रिकॉर्ड कर लिया है। टच स्क्रीन है, 8x स्लो मोशन है, GPS इनेबल्ड है, HDR है, हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन है। सबसे मार्केट में अभी तक की सबसे अच्छा एक्शन कैमरा है जिसकी हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन है, नंबर वन है अभी तक की। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में। तो यहां पर हमें मिलता है 1 साल की वारंटी। तो 1 साल की वारंटी हमें मिलती है और ये कुछ GoPro करके ऐसा कुछ हमें प्रोग्राम वगैरह मिल रहा है इसमें, पावर्ड बाय थ्रिलोपी ऐसे कुछ साइट है वहां पे हमें 1 साल का वो मिलता है। थैंक यू। तो ये है कुछ ऐसा बॉक्स इसका। तो इसको GoPro खोलने के लिए हमें इस सील को तोड़ना होगा। चलिए इसे खोलने के बाद हमें इसको स्लाइड करना है। तो बॉक्स हो गया खाली, इसको रखते हैं साइड में और ये है ऊपर GoPro। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी पैकिंग है, अच्छे से माउंट किया हुआ है। तो GoPro खोलने के लिए हमें इस लिड को ऊपर उठाना है और बटन दबा के तो हमारा GoPro हो गया है आज़ाद। तो चलिए एक बार बॉक्स में देख लेते हैं हमें क्या क्या कंटेंट मिलते हैं इसमें। तो इसमें हमें मिल रहा है 1220 mAh की बैटरी, 1 USB-C चार्जिंग केबल, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, और कुछ एक्सेसरीज GoPro को चिपकाने के लिए। आप इसे कार में या हेलमेट पर चिपका सकते हैं। तो ये माउंट्स हैं, इनको आप इसका स्टिकर उतार कर आप इन्हें चिपका सकते हैं अपनी कार पर या बाइक पर या अपने हेलमेट पर, और उसके ऊपर GoPro लग जाएगा जब भी आपको लगाना हो। तो लास्ट में मिलती है ये GoPro की कुछ इंस्ट्रक्शंस, GoPro स्टिकर्स और GoPro की मोटी सी किताब, अच्छे से पढ़ लेना। तो चलिए इन सब चीज़ों को रखते हैं हम लोग साइड में और GoPro को स्टार्ट करते हैं। और मुझे लगता नहीं GoPro में बैटरी होगी और बैटरी इसकी 0% होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो ये है GoPro कुछ ऐसे करके केज में पैक्ड है। तो इसको खोलने के लिए हमें सबसे पहले इस स्क्रू को हटाना होगा। तो जैसे ही हम लोग इस स्क्रू को हटाएंगे
GoPro माउंटिंग ब्रैकेट खुल जाएगी, और उसके बाद अभी भी GoPro इस केस में है, तो इस केस को खोलने के लिए आपको इसे थोड़ा सा जोर लगाना होगा, काफ़ी टाइट है। और तो इस केस से हमारा GoPro हो गया आज़ाद। तो ये है GoPro Hero 7 Black, स्टिकर को डाल लेते हैं इसको। तो ये है इसकी टच स्क्रीन, तो देखने में बहुत अच्छा है, फॉर्म फैक्टर बड़ा अच्छा है इसका, टीनी टाइनी स्मॉल कैमरा, मुझे लगता नहीं इससे एडवांस कैमरा अभी तक मार्केट में है एक्शन कैमरा। तो हमें इसमें एक तरफ मिल जाता है इसका तो माइक्रो HDMI और USB-C इसे चार्ज करने के लिए और डेटा ट्रांसफ़र के लिए। नीचे की तरफ हमें यहाँ डालनी है बैटरी और एक माइक्रो SD कार्ड। GoPro को ऑन करने के लिए हमें इस बटन को दबाना है इस तरफ। तो हमारा GoPro ऑन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं GoPro ऑन है। और अभी हमें कह रहा है लैंग्वेज चुनने के लिए, तो हमने लैंग्वेज चुन ली इंग्लिश। तो गाइज़ ये हमारा GoPro बहुत ही शानदार है, छोटा सा कैमरा है और इसकी क्लैरिटी ज़बरदस्त है। इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ हमें मिलती है माइक्रो SD और USB-C चार्जिंग के लिए और इसकी लाइव मॉनिटर के लिए। तो ये इसकी टच स्क्रीन है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, बहुत बढ़िया है। तो इस तरफ हमें पावर बटन है जहाँ से ये GoPro ऑन होता है ऑफ होता है, और ऊपर हमारे पास है एक रिकॉर्ड बटन जिससे कि आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, सॉरी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सामने इसमें एक छोटी स्क्रीन दी गई है, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, ताकि आप इसको सामने से मॉनिटर कर सकें जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। तो ये है इसका लेंस। तो ये करके कुछ ऐसा है हमारे पास GoPro Hero 7। तो चलिए इसमें डेट सेट कर लेते हैं इसकी। तो ये हमारा GoPro हो गया है एकदम तैयार। तो ये कुछ इसके मोड है, अगर इसका मेन्यू आपने देखना हो तो आपको ऊपर से नीचे स्वाइप करना है। ये कुछ ऐसे करके इसका मेन्यू आ गया है, तो जिसमें सबसे पहले है कि वॉइस कमांड्स, जिसमें आप वॉइस से कमांड दे सकते हैं GoPro को। उसके बाद हमारे पास साउंड ऑन ऑफ का बटन है, तो इसको अगर आप बंद कर देंगे तो जो GoPro बीप करता है रिकॉर्डिंग करते समय और रिकॉर्डिंग बंद करते समय, वो बीप बंद हो जाएगी। उसके अलावा है हमारे पास क्विक कैप्चर, तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है जिसमें कि आप इसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ये बटन दबाना है, तो जिसके चलते कि आपका GoPro रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा और दोबारा दबाएंगे तो GoPro बंद हो जाएगा। तो जो भी आपकी लास्ट सेटिंग्स होंगी सेव, तो GoPro उनमें इसको सेव करेगा। और यहाँ पर हमें दिया गया स्क्रीन लॉक, जिसमें कि आप बटन दबाएंगे तो गलती से अगर आपकी टच स्क्रीन टच हो जाएगी तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी और स्क्रीन बेसिकली से लॉक हो जाएगी। एडवांस सेटिंग के लिए आपको प्रेफरेंसेस में जाना होगा। तो इसमें कुछ सेटिंग दी हुई है आपको, कनेक्शन जनरल, तो यहाँ पर हर तरह की सेटिंग है आपके पास, तो जो आपको ज़रूरत हो वहाँ से आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जो वीडियोस हमारे पास सेव होंगी वो नीचे से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अभी इसमें SD कार्ड नहीं है, तो दिखा रहे हैं नो SD कार्ड। और जो सेटिंग्स है इसकी रिकॉर्डिंग की, वो यहाँ पर है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ सेटिंग आ गई जिसमें कि रेजोल्यूशन है इस तरफ, तो ये 4K हो गया, 2.7K हो गया, 1080 हो गया, 720 हो गया, और दूसरी तरफ हमें इसमें फ्रेम दिए गए हैं। तो फ्रेम हो गए हमारे पास 60, 120, 240, तो ये हमारे पास कुछ फ्रेम है। तो GoPro 4K 60 फ्रेम तक इसको रिकॉर्ड कर सकता है हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन के साथ। तो ये वीडियो मोड है, अगर आपको फ़ोटो मोड में जाना है तो आप इसको राइट हैंड साइड स्वाइप करेंगे, तो इस टाइम फ़ोटो मोड में है और आपको फ़ोटो खींचने के लिए इसमें ऊपर क्लिक करना हो, बट इसमें SD कार्ड नहीं है तो अभी मना कर रहा है। और इसमें इधर है हमारे पास टाइम लैप्स सेटिंग, तो काफ़ी सारी टाइम लैप्स सेटिंग्स हैं, टाइम वॉप हो गया, टाइम लैप्स हो गया, टाइम लैप्स फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ये हमारे पास सेटिंग्स हैं सारी, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं सारी ये। तो गाइस ये थी हमारी क्विक अनबॉक्सिंग GoPro Hero 7 Black की। तो मैं इसको यूज़ करूँगा कुछ दिन, आपको फिर इसका डिटेल रिव्यू दूंगा कि ये कैसा है, कैसे रिकॉर्डिंग करता है। छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो में आपको इसका डिटेल रिव्यू दे सकूँ कि GoPro Hero 7 Black एक्चुअल में यूज़ करने में कैसा है, कैसी इसकी इमेज क्वालिटी है, मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगा। तो वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।